बायसिंग व्हाट इज अ बायसिंग जनरली अगर वर्ड देखा जाए इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड देखा जाए तो बायसिंग क्या होता है बायसिंग किसे कहते हैं क्या चीज होती है बायसिंग किसी की तरफ बायस होना कहते नहीं कि हम थोड़ा सा बायस हो गए उसकी तरफ तो किसी की तरफ बायस होने का मतलब ये हुआ तो दो टाइप की बायसिंग हुई मतलब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को लेना या एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को देना दैट इज नोन एज बायसिंग

तो देखिए सोचिए इनको यहां से रिपेल किया तो ऑलरेडी यहां पर होल्स थे तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एक तो ये इनके एट्रैक्शन में भागे दूसरा आपने इनको घर से भगाया रिपल्शन किया तो डबल फोर्स लगाकर ये भागे सेम थिंग इनके साथ हुआ तो ये इस तरफ जाने के लिए तैयार होगा ये इस तरफ जाने के लिए तैयार होगा बीच में क्राउडेड एरिया मिल गया दैट इज नोन एज डिप्ल्यूशन रेशन तो जो डायोड होता है डायोड का सिंबल कैसा होता है डायोड का सिंबल होता है ट्राइंगल तो जो डायोड होता है उसमें फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होता है मींस इट स्टार्ट्स वर्किंग इन फॉरवर्ड वाइज ओनली और फॉरवर्ड बायस में ही जो डिप्लीशन लेयर होती है वो डिक्रीज होती है Whereas, reverse bias में जो डिप्लिशन लेती है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है फॉरवर्ड बाइज अपोज द पोटेंशियल वेरियर ऑफ फॉर करोस द जंक्शन अब जो यहां पर पोटेंशियल वेरियर सेटअप था उसको अपोज करेगा देखिए सारी चीजें आप पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे करेंट का जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या होगा आई इज इक्वल टू आई जेड इवर ईवी अपॉन माइनस के टी माइनस और ये करंट फ्लो होने की इक्वेशन होगी यहां पर वाइज में नाउ आई जेड इज नोन एज द करंट मींस कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है जो यहां पर फ्लो हो सकता है उस करंट को हम सर्चुएशन करंट करेंगे के क्या हुआ बोल्समैन कांस्टेंट। जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी यू टर्न आउट होके जाएगा तो दिस जहां पर वो टर्न आउट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम नी एक नी टाइप का घुटने टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा वो वोल्टेज डिफ्यूजन करेंट ड्रिफ्ट करेंट डीआर मीन्स डिफ्यूजन करेंट डी आर मीन्स ड्रिफ्ट करेंट रिवर्स वाइज देख लेते हैं रिवर्स वाइज इसका जस्ट उल्टा है, है तो रिवर्स इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे यहां आ जाएंगे जितने भी यहां होल्स होंगे वो सारे यहां आ जाएंगे ये वेकेंट हो जाएगा तो आप कहेंगे कि सर रिवर्स वाइज में क्या करंट फ्लो नहीं होगा नहीं रिवर्स वाइज में करंट फ्लो होगा कैसा फ्लो होगा बहुत ही लेस करंट माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो सकता है रिवर्स वाइज में और यहां पर मिली एम्पियर में करंट फ्लो होगा ध्यान रखिएगा थाउजेंड टाइम्स ग्रेटर है, है माइक्रो और मिली तो ये जो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करंट फ्लो होगा और किसकी वजह से फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से माइनॉरिटी देखिए ना इस पी टाइप के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एंड टाइप के पास कुछ होल्स होंगे उनकी वजह से करंट फ्लो होगा और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है मेजोरिटी चार्ज का की वजह से यहां जो फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज का की वजह से इन रिवर्सिंग वाइजिंग विद डिप्लूशन लेयर इंक्रीजेस जैसे रिवर्स वाइज लगाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी बढ़ती चली जाएगी किस एक्शन में बढ़ रही यू बढ़ रही यू बढ़ रही इस एक्शन में बढ़ती चली जा रही है रिवर्स वाइज सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर एंड नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन अब रिवर्स वाइज क्या होगा वो बैरियर को सपोर्ट कर रहा है वो तो कह रहा है कि और बड़ी डिप्लिशन लेयर हो जाए देखिए ना सपोर्ट हो रहा ना इसका बैटरी देखो कैसा है और इसका बैटरी देखो कैसा है सपोर्ट हो रहा और यहां पर इसका बैटरी देखो और इसका बैटरी देखो ये क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, है ना इसका डायग्राम कैसा बनेगा जस्ट रिवर्स डायग्राम बनेगा और यहां पर भी नी इलेक्ट्रॉन तो को फ्लो नहीं होने देगा जब ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा तो नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा तो एक्सेस ऑफ पोलिशन से क्या होगा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आएगा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा तो ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट होते 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 इतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा इसमें इतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा कि ड्यू टू दैट हीटिंग इफेक्ट यहाँ के जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सब ब्रेक हो जाएंगे इस हीटिंग इफेक्ट से जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो टूट के बिखरने लगेंगे और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट के बिखरने लगेंगे तो उसका मतलब डायोड जो है वो बर्न आउट हो गया डायोड क्या हो गया बर्न आउट हो गया तो यहां से करंट सीधे सीधे ऐसे रिवर्स वाइज में पास हो जाएगा और हम उसी को बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। एवलांच एवलांच इफेक्ट की की तरीके से की तरीके से से करंट पास पास हो हो गया गया कैसे तुम आप खुद सोचिए ना कि एक डैम है डैम की वॉल डैम के पानी को रोक रही है और एकदम से डैम की वॉल टूट जाए तो जो पानी निकलेगा वो कैसे निकलेगा एवलांच की तरीके से निकलेगा तो ये जो डायोड था वो करंट को निकलने से रोक रहा था फिर डायोड की ने किसी तरीके से उस दीवार को उस लेयर को तोड़ दिया जला दिया खत्म कर दिया तो जितना भी करंट स्टोर किया हुआ होगा वो एकदम से निकलेगा ना है ना जैसे छुट्टी होती है तो बच्चे स्कूल से कैसे निकलते हैं एकदम से निकलते हैं दैट विल बी द एवलांच इफेक्ट एकदम से करंट बाहर निकल कर आएगा ओके